जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदी में प्रभार पर सचिव दिवाकर सिंह की लूट से जनता परेशान है। सचिव की प्रभार पर दिवाकर सिंह की दबंगई सामने आई है। उप सरपंच के पति प्रधान लाल सोनकर और महिला सोनिया मांझी से गाली गलौज की गई है। बताया जाता है कि सचिव दिवाकर सिंह लाखों करोड़ों प्रॉपर्टी का मालिक है और मध्य प्रदेश शासन की कई जमीनों पर उसने अवैध कब्जा किया है। ग्राम पंचायत चांदी निवासी सुशीला मांझी पति राम कैलाश मांझी से भी 10,000 आवास देने के लिए प्रभार पर सचिव दिवाकर सिंह ने लिया है, पर आज तक ना कोई काम हुआ और ना ही पैसा लौटाया गया है। ग्राम सभा के दौरान शिकायतकर्ता सोनिया मांझी पति गोपाल मांझी की पत्नी ने बताया कि सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा उनसे 8,000 टोकन बनाने के लिए और 6,000 वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ने के लिए लिया गया था, पर आज तक ना तो टोकन दिया गया और ना ही वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ा गया। ग्राम सभा के दौरान धीरेन्द्र सिंह, शिव प्रताप सिंह, नारेन सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, पंच रामाधार चर्मकार, विमला सोनकर एवं ग्राम पंचायत के नागरिक मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं शिकायतकर्ताओं का क्या कहना है। सर 16/8/2022 को ग्राम सभा चल रही थी चांदी में, चांदी पंचायत में, तो उसी समय करीब 40-50 व्यक्ति मौजूद थे, अपनी अपनी समस्या के लेके वहाँ बैठे थे। तो उसी समय एक बेचारी दुखियारी औरत सोनिया मांझी, वो कहाँ की हैं? ग्राम पंचायत अपने चांदी चांदीन की है। उन्होंने हमारे सरपंच महोदय के सामने अपना दुख प्रकट किया था और कह रहे कि साहब श्रीमान सचिव साहब हमसे पैसे वृद्धा पेंशन के लिए और राशन जिसमें खाद्यान्न की पर्ची बनवाने के लिए उन्होंने बताया कि 14,000 रुपये हमसे लिए थे टोटल दोनों को मिला के 14,000। उसी दरमियान में हमारे सरपंच महोदय ने हमको कहा दो आदमी से की आप वीडियो बना लीजिए। अच्छा, इस पर हम इसको साक्ष्य मतलब आज आप वीडियो बना लीजिए, इस संदर्भ में हम बड़े अधिकारियों से चर्चा करेंगे जी। तो हमने सरपंच महोदय के कहने पर हमने तो वीडियो बना लिया है। और बनाते समय वीडियो ने साक्ष्य में कहा गया, सोनिया गांधी स्पष्ट कहा है वीडियो में, हमसे सिक्योरिटी साहब ने पैसा लिया। अच्छा, ठीक। उसी दरमियान में वीडियो बना रहे तभी हमको दिवाकर सिंह उठे जात बात का शब्द का उपयोग करके गाली गलौज करके मेरा मोबाइल बंद करा दिया हाथ द्वारा और गाली दिया। मुझे जान को मारने की धमकी दी गई है, इससे मैंने पुलिस प्रशासन सूचना दी गई है थाने में, ताकि कोई दुर्घटना हो सकता है तो मेरी जान की रक्षा शासन प्रशासन करे। कॉलोनी देने के लिए कितना पैसा लिए हैं? 10,000 रुपये। जब उन्होंने पैसा मांगा तो क्या बोला आपसे? हमसे वो ककीबा लेवे तो हम लाभ के लिए अपने दादाजी के हाँ बताया कुछ। अच्छा, फिर आपने ले जाके उन्हें पैसा दिया? उनके घर दुआरे पर पैसा दें 10,000। कितना पैसा दी उनको? 10,000 रुपये। किसको पैसा दी, क्या नाम है सिकेटरी का? दिवाकर सिंह। क्या नाम है? अभय राज सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत चांदी। 16/8/2022 जी 11 बजे ग्राम सभा जी का समय निश्चित हुआ जी। उस समय सारे ग्राम पंचायत के लोग, महिला जी एवं पुरुष जी, सारे लोग इकट्ठा हुए जी, जिसकी संख्या 50-60 लोग मौजूद हालत में जी। उस समय अपनी अपनी बातें जी हर लोग बता रहे थे कि मेरा टोकन नहीं बना, मेरा राशन कार्ड नहीं बना जी। जिसमें एक महिला सोनिया देवी जी मांझी जी, पति राम गोपाल मांझी, अच्छा जी, उन्होंने अपनी बात रखी जी कि सरपंच महोदय, मैं सचिव को 6,000 रुपये जी राशन कार्ड बनाने के लिए दिया जी, और 8,000 रुपये मैं वृद्धा पेंशन नाम जोड़ने के लिए मैं पैसा दिया जी। टोटल 14,000 रुपये उन्होंने दिया जी। उसी समय हमने उसकी बात को सुना जी, और मैं उप सरपंच जी के पति प्रधान लाल को जी उसके बातों को वीडियो बनाने के लिए आदेशित किया जी। जी आदेशित करने के बाद उन्होंने खड़े होकर उसकी बातों को वीडियो बना रहे थे जी। वीडियो बनाते वक्त जी रोजगार सहायक के प्रभार में दिवाकर सिंह सचिव जी ग्राम पंचायत चांदी जी ने उठ के और उसको कहा जी उप सरपंच के पति को प्रधान लाल को जी कि बैठ जी तुम्हारी औकात है कि तू वीडियो बना रहा है जी।
जब मारने के लिए आगे बढ़े जी, तब मैं अपने कुर्सी से उठ के जी और सचिव को मैंने कहा कि तू सीधे कुर्सी में बैठो जी और शांति व्यवस्था बना के रखो जी, किसी प्रकार का अभद्रता ऐसे शब्दों का उपयोग ना करो जी। आज ग्राम सभा है जी जी। और इसी दौरान जो है उन्होंने जाके कैमरे को छीना जी और वीडियो बनाने से मना किया जी। इसके बाद हमने शांति का परिचय दिलाया जी और सारे लोगों को बैठाया जी कि ये बात आप लोगों की नहीं है जी। जो ये बातें हैं जी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे जी जी, अवगत कराएंगे जी जी, उनसे बताएंगे जी कि ग्राम पंचायत का सचिव का ये कारनामा है जी और ये अच्छे बातें नहीं है जी, इस तरीके का शोषण किया जाए जी।